दोस्तों मेरा जो तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो देखिए दोस्तों ये है वो इंजन का फाइनल, देख सकते हैं आप बिल्कुल फाइनल हो चुका है, ये बिल्कुल टाइट हो गया। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टाइम। एक चीज और दिखा दूं मैं किस वजह से इसको लगा रहा हूं, वो है दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें है ना, हालांकि एक प्लेट लगी हुई है ऑलरेडी, और ये बोल्ट भी देख सकते हैं, बोल्ट भी छोटा वाला है, और ये जो है मेरा लॉक जो है वो इतना ऊपर करने के बाद, मतलब मैंने यहाँ से लॉक को जब सेट किया था तो वो इतना ऊपर आया था तब मेरा जाके मेरी बाइक लॉक हो पाती थी। इस चीज़ को भी कवर करने के लिए और थोड़ा सा हैंडल को और ऊँचा उठाने के लिए मुझे जो समझ में आया, मैंने जो दिमाग लगाया वो ये कि मेरे को इसके ऊपर एक और ऐसी ही प्लेट इंस्टॉल करनी पड़ी, करूँ तब ये आगे होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और शेयर करें या ना करें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लाइक जरूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये है पल्सर 220 की टी प्लेट, ये मैंने सेकंड हैंड परचेज किया है मायापुर से, ओके, और इसका एक लॉक बोल्ट टूट चुका है, और एक्चुअली हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें इसे भी काटना ही पड़ेगा, तो इसे मैं काटने वाला हूँ अपने इस ब्लेड की हेल्प से। तो चलिए पहले हम इसको काट लेते हैं, ओके बिल्कुल। फाइनली दोस्तों ये देखिए हमने ये कट कर लिया, अब मैं इसको सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब करके इसका पेंट, ये सारा जो है जो देख रहे हैं आप रफ जैसा हो रहा है, इसको सारे को क्लीन कर लूँगा, उसके बाद हम इसको पेंट करेंगे, ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं सैंड पेपर ले आया हूँ, ये हैवी वाला है, ठीक है, इसमें मोटे दाने, ये 320 नंबर का है, ओके, ये बिल्कुल ही बारीक है, इसे हम प्लेन करने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों इसको रब करने के बाद, इसका पूरा पेंट छुड़ाने के बाद में मैंने इसको फिक्स करने का मैंने एक जुगाड़ बनाया है, वो जुगाड़ कैसे बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैंने एक ये रबड़ का, मोटे रबड़ का एक गोल सा, इसके हिसाब से इसको इसमें फिक्स करने के लिए मैंने एक गोल सा पिरामिड टाइप में एक गोल वार्सल टाइप मोटा सा काट लिया, और इसके बीच में एक होल किया है, देख सकते हैं आप लोग, ओके। और ये जो नट देख रहे हैं आप, इसको मैंने थोड़ा सा कटवाया है, इसका कटा हुआ हिस्सा भी मेरे पास है, मैंने लगभग इसको दो सूत यानी तीन चार चूड़ियाँ मैंने इसकी कटवा करके इसको थोड़ा छोटा किया है, ओके। इसको अभी मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं ये जो पहले लगे हुए थे मेरे, उससे मैंने ये आधी इंची बड़े ले रखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये पूरे यहाँ तक फिक्स है, उसके बाद में इतना स्पेस है, ओके। वो इतना स्पेस इसलिए है क्योंकि ये जो है, ये देखिए मैं अपने हैंडल बार से खोल के ले आया हूँ, ओके, तो इसका मेरे को साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना था, ओके। ये थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने इस पर ये प्लास्टिक की सीट्स एक ऐसे चिपकाई है, क्योंकि मुझे आधी इंची बढ़ाना है और ये आधी इंच की सीट नहीं मिली थी, ओके, तो मेरे पास जो जुगाड़ बन पाया वो मैंने किया। तो इसको मैंने चिपकाया किससे है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पीडी लाइट का एरल डाइट करके पेस्ट है, ओके। इसके दो ट्यूब आते हैं, एक वाइट कलर का होता है और एक इस कलर का होता है, तो हमें दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना होता है और उसका मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाना होता है, ओके। तो पेस्ट बना करके जिस जगह को आपको चिपकाना है उस जगह पर लगा देना है, ओके, उसके बाद इसको आप चिपका लोगे। तो अब हमें इसमें ये दो होल करने हैं और इसकी ये जो किनारियाँ हैं इसकी घिसाई करनी है, इसको बराबर से कट कर लेना है और इसकी फिर घिसाई कर लेनी है, हमें फिर कुछ इस तरीके से बनाना है, ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये दूसरा बना लिया है, ओके। क्या करना है दोस्तों, इसके होल को ना और थोड़ा सा चौड़ा हमें करना पड़ेगा, चौड़ा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे बोल्ट हैं, नट हैं, वो इससे बड़े हैं, इन होलों से बड़े हैं। ये लगभग हो चुका है, अब हम इसमें ट्राई मार लेते हैं बोल्ट डाल के अपने, इसमें बोल्ट आर पार होते हैं या नहीं होते, ओके, ये देख लेते हैं। ये रहे वो बोल्ट दोस्तों, ये देख परफेक्ट, ओके, परफेक्ट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी ये कटाई कर लेंगे दोस्तों, थोड़ी ये काट लेंगे, थोड़ा ये काट लेंगे, थोड़ा ये काट। घिसाई का काम करेंगे, हाँ, तो घिसाई का काम कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए, ओके। तो दोस्तों इसकी घिसाई मैं इसकी हेल्प से करने वाला हूँ, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, जुगा कह लीजिए, तो मैं बता देता हूँ, ये है जो आपकी कैन वगैरह की या बोतल वगैरह की ढक्कन होती है उसका है, और इसमें मैंने एक नट बोल्ट लगा करके इसको टाइट कर दिया है, और ऊपर इसमें ये सैंड पेपर मोटा वाला जिससे हम लोहे का कोई भी सामान रफ करते हैं वो इसमें मैंने हेल्पी की हेल्प से इसमें चिपका दिया, ओके।
बहुत सारे फ्रेंड मुझसे ये पूछेंगे कि आप ये इसकी हाइट इंक्रीज़ क्यों कर रहे हो। तो इसकी हाइट इंक्रीज़ करने का मेरा एक और कारण है, क्योंकि मैं अपनी बाइक को और मॉडिफाई करने वाला हूं, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे बिल्कुल ही साइज़ का ये बन चुका है। ओके, ये देखिए, है ना, तो 320 नंबर का सैंड पेपर, इसका यूज़ मैंने उसमें भी किया था उसको क्लीन करने के लिए। तो चलिए थोड़ा देते हैं। तो दोस्तों, लगभग इसकी फिनिशिंग का भी काम हो गया और दोनों का ही फिनिशिंग का काम हो चुका है। ओके, अब हम इस पर पेंट का काम करेंगे। ओके, तो अब इससे पहले मैं आप लोगों को इसका ये नट भी खोल के दिखा दूँ मैंने कैसे लगाया। ये अपना 20 नंबर का पाना, सॉरी 22 नंबर का रिंग पाना, इससे हम इसको ढीला कर लेते हैं। ये दोस्तों, इसमें मैंने ये रबड़ का लगा लिया और ये पिरामिड टाइप इसलिए काटा ताकि मैं इधर से इसको पुश करूं और जब इसको टाइट करूं तो ये ऊपर की तरफ आए भी तो बाहर ना आए। ओके, इसलिए इधर इसकी जो चौड़ाई है ये कम है और इधर की जो चौड़ाई है, बैक की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। ये बैक वाली चौड़ाई ये ज़्यादा है और ये फ्रंट वाली कम है। पेंट करने के लिए आपने सारे सेटअप को इकट्ठा कर लिया है और मैंने अपने ग्रैपल भी इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे ग्रैपल का भी पेंट छूट गया था तो मैंने सोचा लगे हाथ इस पर भी कर दूँ। ओके, तो इसको पेंट करने के लिए मैं इस स्प्रे पेंट का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, शुरू करते हैं हम अपना पेंट का काम। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ओके, देन उसके बाद अब हम लगभग 1 फुट की दूरी से हम पेंट का काम शुरू करेंगे। ओके, तो दोस्तों मैंने इसे पेंट किया तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें थोड़े बबल्स आ रखे हैं। ओके, और ये थोड़े एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे पेंट करते करते इसका स्पेस फुल हो गया था मेरे कैमरे का, तो इस वजह से मुझे बीच में रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। और ये थोड़े सही से हो गए हैं, देख सकते हैं। अब इसके बैक साइड में मुझे करना भी बाकी है, इसके बैक साइड में अभी मैं करूँगा। ओके, तो चलिए पहले मैं इसको ना सैंड पेपर से रब करके देखता हूँ, अगर इसके बबल्स निकल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ और ट्राई करने वाले हैं हम। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इसको फिर से ट्राई करते हैं। साफ कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये थोड़े थोड़े जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या तो ये रह जाएंगे या फिर ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको सूखने देते हैं और हम इसे भी पेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये भी हमारे पेंट हो गए। ओके, हम अपने सारे पार्ट्स पेंट कर चुके हैं, अब हम करने चलेंगे इसका इंस्टॉलेशन। दोस्तों देख सकते हो, वो रही मेरी बाइक पल्सर 150, जिसे मैंने पूरा ही मॉडिफाई कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, अब हैंडल मैंने उसके खोल रखे हैं, मैं थोड़ा सा बाइक को घुमा ले। बाइक तो हमने घुमा ली दोस्तों, लाइट ला देते हैं, थोड़ा सा अंधेरा टाइप है। ओके, उसके ग्रैबल भी हमने खोल लिए हैं और हैंडल बार भी आप देख रहे हैं टंकी के ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने हैंडल को ऊंचा करने के लिए पहले मैंने ये रबड़ के गुटके बनाए थे, लेकिन ये फट चुके हैं, ये कट चुके हैं, क्योंकि इस पर जब प्रेशर आया नट बोल्ट का तो ये थोड़े से कट गए थे। ओके, और मुझे जो साइज़ चाहिए था वो साइज़ भी मेरे को नहीं मिल पाया। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और दिखा दूँ मैं किस वजह से इसको लगा रहा हूँ, वो है दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, है ना, हालांकि एक प्लेट लगी हुई है ऑलरेडी, और ये बोल्ट भी देख सकते हैं, बोल्ट भी छोटा वाला है, और ये जो है मेरा लॉक जो है वो इतना ऊपर करने के बाद, मतलब मैंने यहाँ से लॉक को जब सेट किया था तो वो इतना ऊपर आया था, तब मेरा जाके मेरी बाइक लॉक हो पाती थी। इस चीज़ को भी कवर करने के लिए और थोड़ा सा हैंडल को और ऊंचा उठाने के लिए मुझे जो समझ में आया, मैंने जो दिमाग लगाया वो ये कि मेरे को इसके ऊपर एक और ऐसी ही प्लेट इंस्टॉल करनी पड़ी, करूँ तब ये आगे होगा। ओके, तो चलिए अब मैं इसका इंस्टॉलेशन वीडियो आपको दिखाता हूँ। ओके, चलिए एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, ये सॉकर जो है मैंने इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला एलन की स्क्रू और एक ये 17 नंबर का नट, ये दो
दोनों ढीले करके मैंने इसको थोड़ा सा नीचे सरकाया। ये पहले यहाँ तक था, ये निशान आप देख सकते हैं, साइड मिट गया, ये पहले ये यहाँ तक ऊपर की तरफ था, अब ये यहाँ से नीचे हो गया, तो मेरी बाइक की जो हाइट है वो लगभग आधी इंची और इंक्रीज़ हो गई दोस्तों। ओके, अब इन रबड़ का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको रख लूँगा ताकि फ्यूचर में मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये मेरे काम आए। सबसे पहले हम ये देखिए, ये है ना पेंट कर लिया हमने, अब हम इसको इसके सारे स्क्रू खोल लेते हैं। ओके, ये थोड़े बड़े भी हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये बड़े मैंने पहले भी दिखाया था आपको, तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। चौबीस घंटे सुखाने के बाद भी दोस्तों इसका पेंट देखो सही से सूखा नहीं है, यहाँ पे मेरी फिंगर का प्रिंट आ गया और यहाँ पे भी आ गया थोड़ा सा पकड़ने की वजह से। ओके, तो कोई बात नहीं, अब घर का काम है तो हर चीज़ में 19-20 हो ही जाती है। तो एक चीज़ और, ये क्योंकि ऊंचा है तो इसको कैसे सेट करना है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने ये देखिए, ये रबड़ जो है, ये रबड़ दिख रहा है, इसमें गैप है। ओके, ये इतना गैप है, इस गैप में ये आराम से कवर हो जाएगा। ओके, और इसका जो बोल्ट मैंने बड़ा वाला बोल्ट है वो भी थोड़ा सा छोटा है, कट करवा दिया था मैंने। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आराम आराम से हम इसको सेट कर लेंगे धीरे धीरे से। देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया सेट लगभग। ओके, एक ये एलन की हमें ये टाइट करना पड़ेगा एलन स्क्रू, और एक एलन स्क्रू ये वाला टाइट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको पूरा टाइट कर लूँगा। चलिए, ये हमारे हो गए टाइट दोनों, अब हम इस पर लगा लेते हैं अपने गुच्छे। इसे टू पीस हैंडल कहा जाता है दोस्तों, ये टू पीस में होते हैं इसलिए इसको टू पीस कहा जाता है, ये इस तरह से और ये इस तरीके से। ओके, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, पहला मैं एक कस देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कस लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अच्छा होगा अगर हम इस पर ऑयल वगैरह लगा लें, क्योंकि अगर हम ऑयल लगा लेते हैं तो ये हमारे रस्टेड नहीं होंगे। तो देख सकते हो इस स्क्रू पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इस पर भी नहीं लगाया, तो पहले इसको देखते हैं टाइट करके। को तो हमने टाइट कर लिया है, अब हम करते हैं दूसरे वाले को। ओके, इस वाले को, चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो लगभग हमने ये दोनों सेट कर दिए हैं। ओके, और इसमें मैंने ये अपना हैंडल बार भी फंसा लिया है, उस साइड वाला नहीं लगाया अभी। ओके, अब हम इसमें कस लेते हैं अपना बड़ा वाला नट। ओके, ये भी टाइट हो गया दोस्तों, अपना बड़ा बोल्ट। ओके, मैं इसके अंदर के बोल्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी बोल्ट लगते हैं, वो बोल्ट में ला करके फिर उसको एलन से टाइट कर लेता हूँ। ओके, ये है दोस्तों ऑयल, इसको और ऑयल लगा लिया है। ओके, और अब ये हिलेगा नहीं, ये हो गया हमारा फिक्स, ये भी फुल टाइट हो गया दोस्तों। ओके, एक चीज़ और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसका, ये जहाँ हमने ये हैंडल बार करना टाइट किया था, यहाँ पे एक रबड़ होता है वो भी मैं लगा देता हूँ। ओके, वो भी हमें पास, देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें वो रबड़ भी लगा दिया। ओके, ये देखिए, और इस तरफ भी मैं लगा चुका हूँ, ये देखिए। ओके, ये दोनों साइड में रबड़ लगा चुका हूँ और इसको पैक कर दिया, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है वर्क। चीज़ और दोस्तों, जब कभी भी आपका हैंडल ढीला होता है, लूज़ होता है, या नीचे से पहिया डक करता है, और आपको ये यहाँ से इस जगह से आपको अपना हैंडल टाइट करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाला स्क्रू खोलना है और उस साइड का ये वाला स्क्रू खोलना है। ओके, और इसको खोल करके बड़े आराम से पेचकस की हेल्प से धीरे 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 उठा करके उस साइड पलट देना है। उसके बाद में आप अपने हैंडल को यहाँ से इस जगह से पेचकस से मार के हथौड़ी टाइट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो बोल्ट है, जो इसके नीचे है, जो इस वाले के नीचे है, उसको आप टाइट कर लोगे, और फिर दोबारा से आप वापस इसको बैठा करके ये दोनों स्क्रू, ये वाला स्क्रू ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, और इसी तरीके से ये ऊपर वाला, इस दोनों को टाइट कर दोगे। ओके, अब इस लुक को बनाने के बाद दोस्तों कोई भी जज नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, कि आपकी ये बाइक मॉडिफाइड है या ऑलरेडी यही मॉडल है। ओके, और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो मैंने हैंडल उठाया है, इसमें जो मैंने ये बुश लगाए हैं, या इसे आप गुटके बोल सकते हो, इसको गुटके लगाए हैं, इसको भी कोई जल्दी जज नहीं कर पाएगा कि आखिर ये इतने ऊँचे कैसे हैं। दोस्तों पूरी बाइक को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे मेरी बाइक जो है मुझे
बिना ग्रैब रेल के भी मस्त लग रही है, और क्योंकि आगे से थोड़ी हाइट इंक्रीज हो गई है तो साइड स्टैंड का झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो। फाइनली दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।